Hello friends, again I am here to give some tricks, some much more interesting tricks. ध्यान से देखिए, आज का tricks इन पांच लाइनों में है। पांच लाइनें लिखी हुई है। पहला लाइन लिखा हुआ है, गुड़ खाओ तुम सब लोग, नी पिया काका हया लाका, विधवा बहु नमक से खेले, ब्रह्मा की गोद में गंगा, सीता जी वन से कहाँ आए। पहला लाइन आपका था, गुड़ खाओ तुम सब लोग। क्या ट्रिक हो सकता है इसमें, ध्यान से देखिए। इस गुड़ का ग ले लेते हैं, खाओ का ख ले लेते हैं, तुम का तू ले लेते हैं, सब का स ले लेते हैं और लोग का ल ले लेते हैं। ग स्टैंड्स फॉर गुलाम वंस, ख से खिलजी वंस, त से तुगलक वंस, स से सैयद वंश और ल से लोदी वंश। अब तक आप लोगों को इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि ये मुगल वंश थे, मुगलों का वंश जो इंडिया में आया था, जिसमें जिनको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश नाम दिया गया। पर किस वंश के बाद कौन सा शासक इंडिया में आया था, इसको जानने के लिए ये एक लाइन है, गुड़ खाओ तुम सब लोग। सबसे पहले हमारे इंडिया में गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे अंतिम मुगल वंश था लोदी वंश। अब दूसरा ट्रिक, नीप पिया काका हया लाका। इस पे क्या ट्रिक, इस ट्रिक को बताने से पहले मैं एक सिंबल बनाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें ट्रिक के दौरान घूमे। देखिए, नी और प, नीप, इसमें दोनों को अलग अलग लेना है। नी से नीला और प खत्म होता है यूरोप पे। पिया, पी से पीला और या खत्म होता है एशिया पे। का, इस का से काला और ये का खत्म होता है अफ्रीका पे। हया, यह हरा और या खत्म होता है ऑस्ट्रेलिया पे। और अंतिम में है लाका, ये ल से लाल और का खत्म होता है अमेरिका पे। ध्यान से देखिए इस सिंबल को, ये ओलंपिक को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं। जो ओलंपिक्स होते हैं उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें पांच छल्ले होते हैं, पांच चूड़ियां होती हैं और पांचों चूड़ियां अलग अलग महादेश को रिप्रेजेंट करती हैं। पांचों चूड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं, जिसमें एक नीला होता है, एक पीला होता है, एक काला होता है, एक हरा और एक लाल होता है। नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है और लाल अमेरिका को दर्शाता है। एक छोटी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है यहाँ, यहाँ पर दो का है, तो अमेरिका पर के साथ काला होगा या लाल के साथ अफ्रीका होगा। अफ्रीका के लोग काले होते हैं, इसीलिए इस बात को दिमाग में रखना है कि अफ्रीका के साथ हमेशा काला होगा। अब अगला ट्रिक, विधवा बहू
नमक से खेले। देखिए इसमें क्या ट्रिक है, विधवा विध सॉरी विधवा से विधवा, बहू से बिहू। इस नमक को अलग करना है, न म और क से विधवा बिहू, बिहू। न से नट पूजा, या इसे नाग नृत्य कहा जाता है। म से महारास, क से कली गोपाल। अब ये स से सतरिया, और खेले से खेल गोपाल। विधवा, बिहू, नट पूजा, नाग नृत्य, महारास, कली गोपाल, सतरिया और खेल गोपाल, ये क्या है? ये आसाम के लोक नृत्य हैं, के लोक नृत्य हैं जो अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस एक लाइन से आसाम के लोक नृत्य को याद रख सकते हैं। अब देखिए अंतिम ट्रिक, ब्रह्मा की गोद में गंगा, क्या ट्रिक हो सकता है इसमें? ध्यान से देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, की का क लेते हैं तो कावेरी और कृष्णा, गोद से गोदावरी, गोदावरी, म से महानदी और गंगा से गंगा। अब तक आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि ये कुछ नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और गंगा। अब इन नदियों में क्या खास है? खास ये है कि ये सारी नदियां वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। मतलब इन सारी नदियों का संगम, सारी नदियां एक साथ, मीन सारी नदियां का जो अंतिम है, जो लास्ट एंड है, वो बंगाल की खाड़ी है। अब अगला जो आपके पास ट्रिक है, वो अगला ट्रिक है, सीता जी वन से कहाँ आए? सीता जी वन से कहाँ आए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है जिससे आप बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा। सी से सीता, सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमूडा, न से न्यूजीलैंड, स से सी से सेंट लुइस, क से कनाडा, कनाडा, ह से हांगकांग, आ से अमेरिका, और ए से ऑस्ट्रेलिया।
ये कुछ कंट्रीज के नाम हैं। इस एक सेंटेंस के जितने वर्ड्स थे उससे मैंने क्या किया कि कुछ कंट्रीज़ के नाम लिख दिए, जिसमें सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बारमूडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। अब इस कंट्रीज़ में क्या खास है? ये सारे कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिसमें डॉलर यूज किया जाता है। इन सारे कंट्रीज़ में समानता ये है कि इन सारे कंट्रीज़ में डॉलर यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में सवाल कुछ ऐसा होगा कि निम्नलिखित में से किस देश में देश की मुद्रा डॉलर है? आपके पास ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन होंगे। इन चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये सारे कंट्रीज में से कोई एक कंट्रीज होंगे। उस वक्त आपको ये एक लाइन याद रखना है, सीता जी वन से कहाँ आए, इस लाइन को एक बार रिकॉल करना है। जैसे आप रिकॉल करेंगे आप तुरंत मेजर कर पाएंगे कि इन चारे ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थे जो मैंने आपके लिए बनाए थे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं डालता कि लोग इसको सब्सक्राइब करें या लाइक करें। मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब आ रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा 10%, 20%, 5% प्रॉफिट होना चाहिए। सीखें, सिखाएं और बस आगे बढ़े, आगे बढ़े और जो आपके पीछे हैं उनका भी हाथ पकड़कर अपने पास तक लाएं, तरक्की करें। माई विशेस इज ऑलवेज विथ यू पीपल्स। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। डू गुड, डू बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।